नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के जाने माने लेखक श्री शैलेश वाणी। नमस्कार अर्जुन भाई। शैलेश जी ने अपनी एक पुस्तक हाल ही में उनकी प्रकाशित हुई है जो बियॉन्ड द अर्थ के नाम से है और ये अंग्रेजी का एक उपन्यास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपन्यास में जो कल्पना की गई है वो कल्पना बेहद दिलचस्प है। यह उपन्यास अमेजन और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है, बुक स्टॉल्स पर भी उपलब्ध है और इसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। तो हम शैलेश वाणी जी से ये जानेंगे कि इस उपन्यास के पीछे उन्होंने क्या कथानक लिया है। ये एक साइंस फिक्शन उपन्यास है और इसके पीछे जो मेरा सोच था वो इस तरह से था कि आज हम सारी दुनिया के लोग और सारी दुनिया के यूं कहें वैज्ञानिक इस सोच में हैं या और कहीं इस खोज में हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन कहीं दूसरे ग्रहों पर है क्या। इसी सोच के चलते मुझे ऐसा लगा कि जीवन तो होना चाहिए ब्रह्मांड में कहीं कहीं, तो क्या दूसरे ग्रह के कुछ लोग जहाँ जीवन मान लो है वो भी कहीं खोज रहे होंगे कि कहीं जीवन है क्या उनके अलावा। बस ये आधार मानकर मैंने ये उपन्यास लिखा और उसमें ये दिखाया है कि जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो पृथ्वी पर ये खोज करते करते आते हैं कि कहीं जीवन है क्या, उनको पृथ्वी से संकेत मिलते हैं जीवन के और वो यहाँ आते हैं। यहाँ आकर वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जीवन कितना खुशहाल है, यहाँ लोग कितने उत्साहित हैं, यहाँ हर जगह जल्दबाजी है, टाइम की कमी है और जीवन पूरा आनंद से भरा हुआ है। और वो ये सारी विशेषताएं उनके ग्रह पर ले जाना चाहते हैं। अब उस ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि वो जो ग्रह है वो है तो हमारी आकाश गंगा में ही, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी और साइंस है वो हमसे बहुत आगे है। उन्होंने अपने साइंस को इतना डेवलप कर लिया है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं वो आकाश में उड़ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो मेंढक कछुआ वगैरह पानी के अंदर रह सकते हैं तो वो लोग पानी के अंदर भी रह सकते हैं। और उनका टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि वो दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए भटकते रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की यह है कि वहाँ न तो किसी का जन्म होता है और न किसी की मृत्यु होती है। वहाँ जितने लोग हैं वो उतने ही कई सालों से, न जाने कितने सालों से। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वहाँ जन्म नहीं होता तो जो लोग वहां हैं वो कहां से आए। पर मैं चाहूंगा कि ये सब जानने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है बियॉन्ड द अर्थ। इसमें वो सारी जानकारी मिल जाएगी, आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो सारी इसके अंदर फुलफिल हो जाएंगी। अच्छा, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि ये जिससे आपका जो पहला अंग्रेजी उपन्यास है जी, तो इसके बाद और भी आ रहे हैं आपकी किताबें? हाँ, एक और है उपन्यास, वो भी साइंस फिक्शन ही है। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट यही है साइंस, स्पेस साइंस पर ही है। जो दूसरा उपन्यास आ रहा है उसका नाम मैंने रखा है मून द सेकंड मून, चांद पर जीवन बसाने की कोशिश में आजकल काफ़ी सारे देश हैं। अमेरिका चाहता है, चाइना ने भी अभी अभी उसका एक उपग्रह वहाँ पर छोड़ा है, जापान की कोशिश है, रशिया की कोशिश है। तो सारी जो दुनिया है वो ये चाह रही है कि चांद पर जीवन बसाया जाए। बस इसी के चलते मैंने अपनी सोच को आगे बढ़ाता गया, कल्पना में गोते लगाता गया और एक ऐसी कहानी तैयार कर दी कि अगर उस थीम पर चला जाए तो हो सकता है चांद पर जीवन हम बसा दें। अच्छा, अब ये जो ये उपन्यास जो आपका पहला प्रकाशित हुआ जी, तो इसमें आपने ये माध्यम अंग्रेजी ही क्यों चुना, हिंदी क्यों नहीं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में मैं हिंदी का ही व्यक्ति हूँ
और मैंने ये कहानी पूरी तरह हिंदी में ही लिखी है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि साइंस फिक्शन यूरोप, अमेरिका और जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर है, तो उन लोगों का ये कहना था, ये उन्होंने सजेशन किया कि अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो ये दूसरे कंट्रीज में भी सब दूर जा सकता है, वहाँ भी पॉपुलर हो सकता है। बस यही कारण था कि मैंने उसको इंग्लिश में लिखा। हिंदी का लिखा हुआ तो है मेरे पास, अब काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि उसको हिंदी में भी लिखो, तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत जल्द उसका हिंदी तो लिखा हुआ है उसको पूरा एडिट करके और उसका भी प्रकाशन किया जाए। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जी जो पुस्तकों के प्रकाशन की कठिनाई है तो वो किस में आसान है, हिंदी में आसान है या अंग्रेजी में? हिंदी में फिर भी आसान है क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले कम हैं, तो उसकी एडिटिंग और उसकी जो उसको मतलब पेज मेकिंग वगैरह उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और हिंदी का तो बहुत आसान है, समझना भी आसान है और बड़े बड़े विद्वान हैं तो वो लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अभी शैलेश जी से हमने बियॉन्ड द अर्थ, जो उनका अंग्रेजी उपन्यास है और जो चर्चा में भी है इन दिनों, उसको लेकर चर्चा की। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। धन्यवाद सर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.